गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपने कल अपने टेस्ट लिया था संडे दिमाग का टेस्ट, उसमें आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। उसका रिजल्ट जो टेस्ट हुआ था कल का आपका, उसका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक दो दिन में आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, तो रिजल्ट जल्दी आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के बता दिया जाएगा और सभी की रैंक वाइज लिस्ट भी अपलोड कर दी जाएगी। तो उसका रिजल्ट और जो आंसर की है, पेपर तो आपको मिल ही गया होगा, उसकी आंसर की भी रिजल्ट के साथ ही आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो आप देख लेना, चेक कर लेना, खुद से भी एनालिसिस कर लेना और रैंक वाइज रिजल्ट एक या दो दिन में आपको यूट्यूब पर आ जाएगा, वीडियो बना के भी बता दिया जाएगा आपको और PDF भी अपलोड करवा दी जाएगी आपको रैंक वाइज लिस्ट रिजल्ट की। आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी किसी बहुत सारे स्टूडेंट को कि उनका जो आंसर की है वो अपलोड नहीं हो पाई, वहाँ पे जो आंसर की सीट थी उनकी वो अपलोड नहीं हो पाई वहाँ पे। तो नेक्स्ट टेस्ट में आप ध्यान रखना, पहले एक वीडियो बना दिया जाएगा आपको कि कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो नेक्स्ट में ध्यान रखना, इसमें आपके लिए जितना कि आपने उससे अच्छा है, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए सभी को धन्यवाद। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सर्कुलेशन पढ़ेंगे, मानव का परिसंचरण तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं, मानव परिसंचरण तंत्र में दो चीज आती है, रुधिर परिसंचरण, एक तो क्या आएगा रुधिर परिसंचरण, एक आएगा क्या लसिका परिसंचरण। कौन सा? रुधिर परिसंचरण और एक लसिका का परिसंचरण आता है। तो रुधिर परिसंचरण के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे? हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड वीनस पढ़ेंगे और ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें लसिका वाहिनी और लसिका पढ़ेंगे लसिका के अंदर। तो दो परिसंचरण तत्व होता है मानव में, दो परिसंचरण, कौन सा? रुधिर और लसिका परिसंचरण तंत्र होता है। इसके अंतर्गत अपन हार्ट, ब्लड और ब्लड वीनस पढ़ेंगे, इसमें अपन लसिका वाहिनी और लसिका पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चलते हैं, कौन सा? रुधिर परिसंचरण स्टार्ट करते हैं। तो रुधिर परिसंचरण में क्या पढ़ेंगे अपन? पहले हार्ट। हार्ट सबको पता होगा, हार्ट कहाँ पाया जाता है, पहले इसकी लोकेशन क्या है हार्ट की वो बताना, वो लिखो दोस्तों। हार्ट क्या होता है? हृदय वक्ष से गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में। कहाँ? हृदय होता है जो अपना हार्ट होता है, वो वक्ष से गुहा में कहाँ पाया जाता है? वक्ष से गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच मीडिया स्टर्नम अवकाश में स्थित बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। किसकी? बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। किसके आकार की होती है? बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। कहाँ पाया जाता है हार्ट? हार्ट पाया जाता है वक्षे गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच मीडिया स्टर्नम अवकाश में स्थित, बाई ओर स्थित, कहाँ पर पाया जाता है? बाई ओर स्थित बंद मुट्ठी की समान संरचना होती है। कहाँ पाया जाता है? बाई ओर, लेफ्ट ओर पाया जाता है। वजन कितना होता है इसका? वजन होता है 250 से 300 ग्राम। कितना होता है? 250 से 300 ग्राम का होता है अपना हार्ट। कितना होता है? 250 से 300 ग्राम का होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंतर्गत मीडिया स्टर्नम अवकाश में स्थित हृदय की भित्ति तीन परतों से मिलकर बनी होती है। हार्ट के चारों ओर तीन परत पाई जाती है। कितनी परत पाई जाती है? तीन परत पाई जाती है। साथ के साथ सभी नोट करते चलना, अपने नोट्स बनाते रहे। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कितनी परत पाई जाती है? तीन परत पाई जाती है। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। कौन कौन सी पाई जाती है? पेरिकार्डियम बाह्य परत होती है सबसे, फिर आता है मायोकार्डियम जो मध्य परत होती है, फिर आता है एंडोकार्डियम यानी आंतरिक परत होती है। तो ये हार्ट के चारों तरफ तीन परत पाई जाती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम।
सबसे बाहरी परत पेरिकार्डियम, फिर मध्य परत, फिर आंतरिक परत होती है। तो ये क्या है कि हार्ट की अपनी नॉर्मल संरचना हार्ट होती है उसकी नॉर्मल लक्षण हो गए। हार्ट कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, वक्षगुहा में पाया जाता है, मीडियास्टिनम अवकाश में। किसके समान, बाई ओर होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका वजन होता है 250 से 300 ग्राम होता है। इसके चारों तरफ तीन परत पाई जाती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब इसके हार्ट के पार्ट्स देख लेते हैं। हार्ट के अंदर, हार्ट के जो आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ हार्ट का, चार कोस्ट होते हैं हार्ट के अंदर। कितने रूप से कितने कोस्ट होते हैं हार्ट में, चार कोस्ट होते हैं। कितने कोस्ट होते हैं, चार। कितने कोस्ट होते हैं, चार कोस्ट होते हैं। कौन कौन से चार कोस्ट कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं अपन पहले। ये हार्ट का डायग्राम क्या है, हार्ट का डायग्राम। कितने कोस्ट होते हैं इसमें, चार कोस्ट होते हैं। कितने होते हैं, चार कोस्ट होते हैं। कौन कौन से, दो छोटे कोस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं। कौन से, आलिंद होते हैं। ये वाले दो, ये वाले दो कौन से, ये वाले राइट और लेफ्ट एट्रियम। कौन सा, राइट और लेफ्ट एट्रियम। तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दो बड़े कोस्ट होते हैं कौन से, वेंट्रिकल्स, नीले, राइट और लेफ्ट। तो ये चार प्रकोष्ठ होते हैं, यानी चार कोस्ट होते हैं अपनी हार्ट के अंदर। कितने कोस्ट होते हैं, चार कोस्ट होते हैं। कितने कोस्ट होते हैं, चार कोस्ट होते हैं। कौन कौन से हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, ये हार्ट की नॉर्मल संरचना है। इसमें क्या पाया जाता है, अब अपन स्ट्रक्चर वापस देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गई, अब वापस अपन नोट्स लिख लेते हैं। नोट्स में क्या है, दाएं आलिंद कहाँ पे, दाएं आलिंद यानी राइट एट्रियम में। कौन सा, राइट एट्रियम में। तीन संरचनाएं अशुद्ध रुधिर लेकर आती है। कौन कौन सी जो संरचनाएं होती है वो शुद्ध रुधिर हार्ट में, अपना शुद्ध रुधिर भी पाया जाता है और अशुद्ध रुधिर भी पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड और अनऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है। तो दाएं आलिंद के अंतर्गत तीन संरचनाएं अशुद्ध रुधिर लेकर आती है। कौन थी, कौन कौन सी आएगी दाएं आलिंद में। एक तो आएगा सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा यानी अग्र महाशिरा। सुपीरियर वेना केवा कहाँ से लेके आएगी अशुद्ध रुधिर, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कहाँ से लेके आएगी, सुपीरियर वेना केवा लेके आएगी सिर, गर्दन और दोनों भुजाओं से। कौन सा, अशुद्ध रुधिर लेकर आती है कहाँ पे, राइट एट्रियम में लेकर आएगी। कहाँ पे लेकर आएगी, राइट एट्रियम में। कहाँ पे लेके आएगी, राइट एट्रियम वाले कोस्ट में लेकर आएगी। कौन कौन, सुपीरियर वेना केवा कहाँ से लाएगी, सिर से, गर्दन से और दोनों भुजाओं से। ठीक है, फिर होता है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा कौन कहाँ से लाएगी, वक्ष भाग से। कौन सा, वक्ष भाग से लाएगी, वक्ष भाग से, उदर भाग से और दोनों दोनों पैरों से अशुद्ध रुधिर लेकर आती है। कौन सी, इन्फीरियर वेना केवा। तीसरी कौन सी पाई आती है इसमें, एक कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस ये कहाँ से लाती है, हृदय की भित्ति से अशुद्ध रुधिर लेकर आती है। कहाँ से, हृदय की भित्ति से अशुद्ध रुधिर लेकर आती है। कौन सी, कोरोनरी साइनस। तो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम अभी अभी देखा था, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में कौन कौन से आती है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस अशुद्ध रुधिर लेकर आती है। कौन सी, तीन वेन्स होती है अशुद्ध रुधिर लेकर आती है। अपने पूरे शरीर का जो भी अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। अब राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा वो, राइट एट्रियम से वो जाएगा कहाँ पे, कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में ले आया। अब उसके बाद में जाएगा वो राइट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, वहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। उसके बाद में बाएं आलिंद में यानी लेफ्ट एट्रियम में भी कौन सी, एक जोड़ी पल्मोनरी वेन शुद्ध रुधिर लेकर प्रवेश करती है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा नॉर्मली जो वेन्स होती है, वेन्स क्या करती है, अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। किसका, वेन्स अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। किसका करती है, वेन जो भी होती है
आर्टरी तो करती है सुदृढ़ का, लेकिन वेन करती है असुदृढ़ का। लेकिन ये अपवाद है, इम्पोर्टेंट है, ये नोट लिख लेना, इम्पोर्टेंट नोट है, अपवाद है ये। कौन सी? पल्मोनरी वेन, जो कि सुदृढ़ लेकर प्रवेश करती है। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन सुदृढ़ लेकर प्रवेश करती है। सुदृढ़ लेकर आती है कौन सी? पल्मोनरी वेन। कौन सी? पल्मोनरी वेन। वैसे आर्टरी होती है अपनी, वो सुदृढ़ लेकर का परिवहन करती है, और वेन होती है वो असुदृढ़ का परिवहन करती है। लेकिन ये क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। कौन सी? पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो एक वेन आएगी कहाँ पे? पल्मोनरी वेन, जो कि सुदृढ़ लेकर आएगी कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। ये हो गया राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। अब आता है अपना कौन सा? राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स से क्या क्या होगा? यहाँ से एक निकलेगा कौन सा? पल्मोनरी एवटा निकलेगा। कहाँ से? राइट एट्रियम से। ये हार्ट की डायग्राम संरचना हो गई, ये चार कोस्ट हो गए, ये अपने आ गए, इसमें तीन वेन आ गई, ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर और कोरोनरी। यहाँ पर पल्मोनरी वेन लेकर आ गई सुदृढ़। अब ये है अपना कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा? पल्मोनरी एवटा निकलेगा। क्या? पल्मोनरी एवटा। क्या निकलेगा? पल्मोनरी एवटा निकलता है, जो कि आगे की ओर दाई और बाई पल्मोनरी आर्टरी में विभक्त हो जाता है, जो कि अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो मतलब पल्मोनरी एवटा निकलेगा, वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? पल्मोनरी एवटा निकलता है, जो कि आगे की ओर दाई और पल्मोनरी आर्टरी में विभक्त हो जाता है और अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है और ब्लड सप्लाई कर देता है। क्या करेगा? ब्लड सप्लाई कर देगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा? सिस्टमिक एवटा निकलता है, यानी देहिक महाधमनी निकलती है, जो कि पल्मोनरी एवटा पर चाप बनाते हुए पृष्ठ सतह से नीचे की ओर विस्तारित हो जाती है। कहाँ पर? पृष्ठ सतह से नीचे की ओर चली जाती है, यानी नीचे वाले जो भी वक्षे भाग वगैरह, वक्षे भाग, उदर भाग है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है। कहाँ पर? नीचे वाले पैरों तक करती है, ब्लड सप्लाई करती है। कौन सा? सिस्टमिक एवटा। कहाँ से निकलता है सिस्टमिक एवटा? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, जबकि पल्मोनरी एवटा कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? राइट से। तो ये हार्ट का डायग्राम, ये नॉर्मली स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपका। इसमें तो तीन यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं, यहाँ तीन आ रही थी वेन, कौन से? असुदृढ़ लेकर आती है। कौन कौन सी? इन्फीरियर वेन के वा, सुपीरियर वेन के वा और कोरोनरी साइनस। ठीक है, यहाँ पर सुदृढ़ लेकर कौन आ रही थी? पल्मोनरी वेन। अपवाद है पल्मोनरी वेन, जो सुदृढ़ लेकर आ रही थी यहाँ पे। यहाँ से निकलता है कौन सा? सिस्टमिक एवटा। यहाँ से क्या निकलता है? पल्मोनरी एवटा। कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल कौन से? पल्मोनरी एवटा। ठीक है, यहाँ से कौन सा निकलता है? कौन सा निकलता है यहाँ से? यहाँ से निकलता है सिस्टमिक एवटा। यहाँ पर चाप बनता है, अभी मैं डायग्राम में बताऊँगा आपका चाप कैसे बन रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, क्या इसमें हृदय में उपस्थित कपाट कौन कौन से पाए जाते हैं? तो आपने हार्ट के अंदर का सात कपाट पाए जाते हैं। कितने? सात वॉल्व पाए जाते हैं। कपाट मतलब सात वॉल्व पाए जाते हैं, जो कि ब्लड फ्लो को आपस में जाने से रोकते हैं। कितने कपाट पाए जाते हैं? सात वॉल्व पाए जाते हैं। कितने? सात। कितने पाए जाते हैं? सात। टोटल सात वॉल्व पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं अपने देख लेते हैं। पहला है कौन सा? पहला है ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा? ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पाया जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के मध्य पाया जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल कौन सा पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है। ये हेड हो गया, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के मध्य पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर? यह हेड, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे पाया जाता है कौन सा? ट्राइकस्पिड वॉल। कहाँ पाया जाता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के मध्य पाया जाता है। ध्यान रखना लोकेशन। फिर आता है दूसरा बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड या इसे मिट्रियल वॉल बोलते हैं। इसे क्या? मिट्रियल वॉल भी बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के मध्य पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाइकस्पिड वॉल? बाइकस्पिड वॉल पाया जाता है कहाँ पे? बाइकस्पिड वॉल पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के मध्य पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इन दोनों वॉलों को सम्मिलित रूप से एट्रियो वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर वॉल कहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल कहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल कहते हैं इन दोनों को सम्मिलित रूप से।
उसके बाद में तीसरा वॉल कौन सा आ गया, पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल कहाँ पाया जाता है, राइट एट्रियम से जो पल्मोनरी एवटा निकलता है, कहाँ पर, राइट एट्रियम से, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से यहाँ से निकल रहा था कौन सा, पल्मोनरी एवटा। तो कहाँ पर, यहाँ पर पाया जाता है कौन सा, पल्मोनरी एवटा पर पाया जाता है कौन सा, पल्मोनरी वॉल, कौन सा पाया जाता है, पल्मोनरी वॉल। ये हार्ट की संरचना हो गई, यहाँ से कौन सा निकल रहा था अपना, राइट वेंट्रिकल से कौन सा निकल रही थी, पल्मोनरी एवटा निकल रहा था। तो यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है कौन सा, पल्मोनरी वॉल पाया जाता है। उसके बाद में आता है कौन सा, सिस्टमिक वॉल, कौन सा, सिस्टमिक वॉल। सिस्टमिक वॉल कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली सिस्टमिक एवटा पे पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ये अपना वो हार्ट का डायग्राम, यहाँ से कौन सी निकल रही थी, सिस्टमिक एवटा। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, सिस्टमिक वॉल, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पाया जाता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार का पार्ट कहते हैं, यानी सेमीन्यूलर वॉल कहते हैं, अर्धचंद्राकार का पार्ट कहते हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं, ठीक है। चार हो गए, पांचवा आता है इसमें कौन सा, पांचवा आता है कोरोनरी, कोरोनरी वॉल, कौन सा, कोरोनरी वॉल, या इसे टर्बियन वॉल भी कहते हैं, कौन सा, टर्बियन वॉल भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है राइट एट्रियम में, जो अपना कोरोनरी साइनस आ रही थी, वैन आ रही थी, कौन सी, कोरोनरी साइनस, जो कि हार्ट किससे, हृदय से अशुद्ध रुधिर लेकर आती, वहाँ पर पाया जाता है कौन सा, कोरोनरी वॉल पाया जाता है। कहाँ पर, कोरोनरी साइनस वेन आ रही थी वहाँ पर पाया जाता है, जो अपना हार्ट है वहाँ पर अशुद्ध रुधिर लेकर आ रही थी, कहाँ से, हृदय से। तो यहाँ पर पाया जाता है कौन सा, कोरोनरी वॉल पाया जाता है, जिसे टर्बियन वॉल भी कहते हैं। पांच हो गए, छह नंबर का वॉल पाया जाता है कौन सा, यूस्टेकियन वॉल। यूस्टेकियन वॉल कहाँ पाया जाता है, राइट एट्रियम में पस्से महाशिरा के छिद्र पर उपस्थित होता है। कहाँ पर, इन्फीरियर वेना केवा, जो इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा बताया था मैंने, जो अशुद्ध रुधिर लेकर आ रही थी। तो कहाँ पर पाया जाता है, यूस्टेकियन वॉल, इन्फीरियर वेना केवा पर पाया जाता है। कहाँ पर, यह हार्ट हो गया, हार्ट में ये तीन आ रही थी यहाँ पे, तो कोरोनरी साइनस पे तो कोरोनरी वॉल, वॉल इन्फीरियर वेना केवा पर इन्फीरियर यूस्टेकियन वॉल, और हेवर्सिन वॉल पाया जाता है सुपीरियर वेना केवा पर पाया जाता है। तो ये तीनों वॉल कहाँ पाए जाते हैं, राइट एट्रियम में पाए जाते हैं। कहाँ पर, राइट एट्रियम में, जो तीन अशुद्ध रुधिर लेकर आ रही थी वेन्स, वहाँ पर पाया जाता है, जैसे कोरोनरी साइनस पर कोरोनरी वॉल, इन्फीरियर वेना के ऊपर कौन सा, यूस्टेकियन वॉल, और सुपीरियर वेना के ऊपर कौन सा पाया जाता है, हेवर्सियन वॉल पाया जाता है। तो इस प्रकार को टोटल कितने वॉल पाए जाते हैं, कितने कपाट हो गए, सात। कितने कपाट होते हैं, टोटल सात कपाट होते पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्या, ये आपका हार्ट का डायग्राम, कौन सा, हार्ट का डायग्राम है, इसको एक बार देख लेते हैं अपन। ये क्या है, यह है हार्ट का डायग्राम, तो इसे देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये है अपना कौन सा, राइट एट्रियम, कौन सा है, राइट एट्रियम। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल्स, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब राइट एट्रियम क्या क्या आ रहा था, राइट एट्रियम में आ रही थी सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। तो ये आ गई इन्फीरियर वेना केवा, ये रही कौन सी, सुपीरियर वेना केवा, और ये कौन सा है, कोरोनरी साइनस, ठीक है। ये आ गई, उसमें आता है पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम में क्या आ रहा था, पल्मोनरी वेन आ रही थी ओनली, जो कि शुद्ध रुधिर लेकर आती। ये क्या, तीनों क्या आती, अशुद्ध रुधिर लेकर आती, कहाँ से, पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर का लेकर किस में डालती है, राइट एट्रियम में डाल देती है। राइट एट्रियम से कहाँ से आ जाएगा, इससे, कहाँ से, ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए कहाँ जाएगा, कहाँ में जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। यहाँ पर आ गया, यहाँ से कहाँ जाएगा, इस वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। वेंट्रिकल्स से कहाँ, इससे क्या निकलती है, वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से क्या निकल रही थी, इस पल्मोनरी एवटा निकलता है, ठीक है। यहाँ से क्या निकल रहा है, ये पल्मोनरी एवटा निकल रहा है, ये पल्मोनरी एवटा निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसमें शुद्र आ रहा था, इसमें ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, जब संकुचन सिस्टोलिक होगा, सिस्टोल होगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये भी सिस्टमिक एवटा चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा, सिस्टमिक एवटा पे चला जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ वॉल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के मध्य कौन सा पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल, ये रहा ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के मध्य कौन सा, बाइकस्पिड वॉल,
कौन सा बाइक का स्पीड बोल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में कोरोनरी वॉल कहाँ पाया जाता था, कोरोनरी वॉल पाया जाता कोरोनरी साइनस पे, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। यूस्टेकियन वॉल पाया जाता है कहाँ पे, इन्फीरियर वेना के ऊपर। यूस्टेकियन वॉल कहाँ पाया जाता है, इन्फीरियर वेना के ऊपर। सुपीरियर वेना के ऊपर कौन सा, हेवर्सियन वॉल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में पल्मोनरी एवटा पे कौन सा पाया जाता था, पल्मोनरी एवटा पे कौन सा वॉल पाया जाता है, पल्मोनरी एवटा पे कौन सा वॉल पाया जाता है, कौन सा बताया था मैंने, पल्मोनरी एवटा पे पल्मोनरी वॉल पाया जाता है, कहाँ पर, ये वाला, ये यहाँ पर पल्मोनरी, ये पल्मोनरी एवटा निकल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा पल्मोनरी वॉल पाया जाता है। उसके बाद में सिस्टमिक वॉल पाया जाता है, ये यहाँ से निकल रही है सिस्टमिक एवटा, यहाँ पर सिस्टमिक वॉल पाया जाता है, ये चाप बन रहा है यहाँ पर, ये चाप बनती हुई है, ये सिस्टमिक एवटा, ये रेड रेड दिख रहा है वो पीछे की तरफ चली जाती है, ये वाला, ये रेड रेड जो भी दिख रहा है ये पीछे की तरफ चला जाता है, सिस्टमिक एवटा चाप बनाते हुए पीछे चला जाता है। तो ये क्या है कि अपनी हार्ट की संरचना, क्या होगी, हार्ट की संरचना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्या, इसमें क्या है कि कुछ नोडल टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि अपने डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो भी संकुचन और अनुशीतलन जो होता है उसको चलाने के लिए, हार्ट को चलाने के लिए क्या पर नोडल टिश्यू पाए जाते हैं, कितने नोडल टिश्यू पाए जाते हैं, चार। कौन कौन से, एक तो होता है एस ए नोड, एक होता है एवी नोड, एक होता है बंडल ऑफ हिज, और एक होता है क्या, एक होता है बंडल ऑफ हिज, एक होता है प्रोकिंजे फाइबर होते हैं। तो पहला आता है अपना क्या, एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। कहाँ पाया जाता है साइनो एट्रियल नोड पाया जाता है कहाँ पर, राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर में नियमित संरचना जिसके द्वारा नियमित रूप से कितना 70 से 75 संकुचन की तरंग प्रति मिनट उत्पन्न की जाती है। कहाँ पाया जाता है, ऐसे नोड पाया जाता है, साइनो एट्रियल नोड कहाँ पाया जाता है, साइनो एट्रियल नोड, ये अपना हार्ट आ गया। हार्ट में भी कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर, यहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पर, राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है, क्या, राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर पर पाया जाता है। कितनी, 70 से 75 संकुचन की तरंग प्रति मिनट उत्पन्न की जाती है। कितनी, 70 से 75 मिनट संकुचन की तरंग उत्पन्न की जाती है। इसे क्या, अतः इसे क्या कहते हैं, फेस मेकर कहते हैं, इसे फेस मेकर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसे क्या कहा जाता है, फेस मेकर कहा जाता है। फिर आता है एवी नोड, कौन सा, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, अंतःआलिंद पट के समीप, राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे पाया जाता है। कहाँ पर, राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, लोअर यानी लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर पाया जाता है। इसके द्वारा क्या करता है, ये ऐसे नोड से जो भी संकुचन होते हैं उनको क्या करता है, ग्रहण करता है, और कभी कभी जब ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है तो इसके द्वारा किसके द्वारा, एवी नोड के द्वारा 40 से 50 संकुचन की तरंग उत्पन्न की जाती है। इसे क्या कहते हैं, फेस सेक्टर कहा जाता है, इसे फेस सेक्टर कहा जाता है, उसे फेस मेकर कहा जाता है। एवी नोड को क्या कहा जाता है, फेस सेक्टर कहा जाता है। एवी नोड पाया जाता है अंतःआलिंद पट के राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे पाया जाता है। क्या कार्य करता है ये जो ऐसे नोड से जो भी संकुचन प्राप्त होते हैं उसको क्या करता है, ग्रहण करता है, और क्या करता है, नीले की ओर प्रसारित करता है। इसे क्या कहते हैं, फेस सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेस सेक्टर कहा जाता है। ऐसे नोड के फेल हो जाने के उपरांत ये 40 से 50 संकुचन की तरंग उत्पन्न करता कर सकता है, कौन सा, एवी नोड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं क्या, बंडल ऑफ हिज क्या है, एवी नोड से एवी नोड से निकलते ही नीले पट पर सिगरी दो शाखाओं में विभक्त होकर नीलों में संकुचन की तरंग उत्पन्न प्रसारित कौन करता है, बंडल ऑफ हिज करता है। नीलों में संकुचन की तरंग प्रसारित कौन करता है, बंडल ऑफ हिज करता है। उसके बाद में आता है कौन सा, प्रोकिंजे फाइबर बंडल ऑफ हिज आगे की ओर छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाता है जो नीलों की भित्ति में उत्पन्न सभी पेशी तंतुओं को क्या करता है, संकुचन की तरंग उत्पन्न करवाता है।
तो ये क्या है, नोडल टिश्यू कितने हो गए, चार। कौन कौन से, एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिज और प्रोकेंज फाइबर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, क्या इसका डायग्राम देख लेते हैं। एसए नोड, एवी नोड कहाँ पाया जाता है, तो ये देखो एसए नोड कहाँ पाया जाता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में भी अपर में पाया जाता है एसए नोड, ये हो गया। ये लेफ्ट कॉर्नर पे कौन सा, एवी नोड, ठीक है। यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, बंडल ऑफ हिज। उसके बाद में प्रोकेंज भाग पर कहाँ जाते हैं, ये नीले की भित्ति में पाए जाते हैं, जो भी ये दिख रहा है आपको, ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकेंज भाग पर, ये वाले, ठीक है। तो ये इसकी संरचना में हो गई, ये इसकी संरचना हो गई, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं नोडल टिश्यू। नेक्स्ट चलते हैं, क्या हार्ट बीट, हार्ट बीट पे आते हैं अपन, क्या हार्ट बीट, हार्ट बीट हृदय में होने वाली क्रमांकित संकुचन को अनुसित रूप क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। एक हार्ट बीट में वन सिस्टोल और वन डायस्टोल होता है, एक हार्ट बीट में वन सिस्टोल यानी वन संकुचन और वन डायस्टोल यानी एक अनुशीतलन होता है। नॉर्मली हार्ट बीट कितनी होती है, नॉर्मली हार्ट बीट होती है 72 बीट पर मिनट, मनुष्य में नॉर्मली हार्ट बीट कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट होती है, 72 बीट पर मिनट होती है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हार्ट बीट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। साइज ऑफ एनिमल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, हार्ट बीट के। साइज ऑफ एनिमल, जितना बड़ा शरीर होगा उतना ही हार्ट बीट क्या होगी, कम होगी, उतनी हार्ट बीट क्या होगी, कम होगी, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। साइज के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है हार्ट बीट, ठीक है। अब कुछ हार्ट बीट आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है, श्रू, उसकी हार्ट बीट कितनी है, 800 बीट पर मिनट, कितनी है, 800 बीट पर मिनट है, सबसे छोटा स्तनधारी है ये। उसके बाद में इन्फेंट की कितनी है, 130 बीट पर मिनट, मनुष्य में कितनी है, 72 बीट पर मिनट, एडल्ट्स की बता रखा है, किसकी, एडल्ट्स की, ठीक है, बच्चों में ज़्यादा होती है, किसकी है, एडल्ट्स की। एलिफेंट, एलिफेंट की कितनी है, 25 से 30 बीट पर मिनट होती है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा, ब्लू हेल, इसकी कितनी है, 8 से 10 बीट पर मिनट होती है। तो साइज की क्या हो गया, हार्ट बीट साइज की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये नोट कर लेना, नोट कर लेना, हार्ट बीट्स कुछ की हार्ट बीट बताई हुई है आपको, तो ये नोट कर लेना है। तो साइज के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा कारक है हार्ट बीट रेस्पिरेटरी रेट के समानुपाती होता है, किसके, रेस्पिरेटरी रेट के समानुपाती होता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी हार्ट बीट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा कारक हार्ट बीट टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है, किसके, टेम्परेचर के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं वो भी हार्ट बीट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन निकलते हैं वो क्या करते हैं, हार्ट बीट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन बढ़ाया था, बताया था आपको मैंने। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, क्या कौन सा, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन उपापचय प्रक्रिया को बढ़ाकर भी क्या है, हार्ट बीट बढ़ता है। उपापचय क्रिया जब बढ़ती है तो हार्ट बीट भी क्या होता है, बढ़ता है। उपापचय क्रियाओं के बढ़ने के कारण भी हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ता है। तो ये क्या है, कारक हो गए, जिसको हार्ट बीट को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी नर्सिंग पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने उस टेस्ट दिया था, उसका अच्छा रिस्पॉन्स था, उसका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके साथ आंसर की भी अपलोड की जाएगी और टॉप 10 की लिस्ट भी अपलोड की जाएगी, सभी की रैंक भी बताई जाएगी और टॉप 3 की फ़ोटो भी अपलोड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।